डियर स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे क्या कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, आइसोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, ठीक है, उनका अप्लीकेशन यानी एसिडिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, हिस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, ठीक है, इन सब चीजों को एक साथ क्या करेंगे, समराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो क्वेश्चन क्या है, ऑरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो यहां पे बेटा, फर्स्ट जो है ये है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है, थर्ड अगर क्वेश्चन को देखोगे, थर्ड जो है ये है, फोर्थ की अगर बात करोगे ये एमी ग्रुप लगाया हुआ है, और फिफ्थ की अगर हम इसी में ले लें ओ एम ए ग्रुप ये है, ठीक है। अब कह रहा है कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो तुमको पता है बेटा यहां पे ये ग्रुप है। अब एसिडिटी की अगर देखोगे तो एसिडिटी हमने कल प्रीवियस लेक्चर में समरी लिखवाया था कि माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सब में इस पर क्या है, पैरा पोजिशन पे अटैच्ड है, यानी यहां पे देखो पैरा पोजीशन पे ये भी पैरा, ये भी पैरा, ये भी पैरा। तो NO2 ग्रुप की अगर बात करोगे तो NO2 ग्रुप क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, तो माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, यानी माइनस एम इफेक्ट लिख सकते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस कंडीशन की बात करोगे तो देखो यहां पे एक हैलोजन है, तो माइनस आई और प्लस आर, माइनस आई से खींचेगा प्लस आर से देगा, बट यहां पे हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट ओवर रेजोनेंस इफेक्ट। यहां पे देखो इस केस में देखोगे तो ये एमी ग्रुप है, ये क्या कर रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसके, प्लस आई से और प्लस एच से, हाइपर कंजुगेशन भी है। इस कंडीशन की देखोगे तो यहां पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये माइनस आई से तो खींचेगा, प्लस प्लस आर से दे रहा है, तो प्लस आर क्या होगा बेटा, प्लस आर यहां पे डोमिनेंट होगा किस पे, इंडक्टिव से। तो तुमको पता है क्या कि खींचने वाले ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं और देने वाले ग्रुप एसिडिटी को घटाते हैं। तो यहां पे दो माइनस आई इफेक्ट है, आइनेक्स और माइनस आर लिख दो, सब में आर है, तो यहां पे क्या है, दोनों बढ़ाने वाले हैं। यहां पे देखो एक बढ़ाने वाला एक घटाने वाला है, लेकिन बढ़ाने वाला जो है माइनस आई इफेक्ट वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इस कंडीशन में देखोगे तो दोनों घटाने वाले हैं, और इस कंडीशन में, और दोनों किससे घटा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से और प्लस हाइपर कंजुगेशन से। इस कंडीशन में देखोगे तो ये क्या है, एक बढ़ाने वाला है, दूसरा घटाने वाला है, प्लस आर, बट प्लस आर डोमिनेंट होता है, तो इस प्लस आर सबसे ज्यादा डोमिनेंट, तो यहां पे देखो प्लस, तो इसमें देखोगे तो सबसे क्या है, दोनों खींचने वाले हैं, यानी ओवरऑल देखोगे तो टू इज मोर एसिडिक। फिर देखोगे थर्ड वाला के, थर्ड वाले में देखोगे माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट क्या है, डोमिनेंट है,
यानी उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब इसमें दोनों घटाने वाले ग्रुप हैं, प्लस वाले इफेक्ट है, ये एक घटाने वाला है बट एक क्या है, ज्यादा बढ़ाने वाला, यानी कि ये प्लस आर से दे रहा है घटा रहा है, यानी उसकी उन दोनों के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा, फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा। फिर इसमें देखो और इसमें घटाने वाला है, तो इसमें प्लस आर से घटा रहा है, इसमें प्लस आई और प्लस एच से, प्लस आर वाला डोमिनेंट होता है तो इसलिए क्या होगा, वो सबसे कम हो जाएगा, यानी उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ और सबसे कम फिफ्थ। तो ये ऑर्डर होगा बेटा अगर बात करोगे तो, यानी कि देखोगे तो NO2 ग्रुप, आयोडाइड ग्रुप, फिर Me ग्रुप, फिर देन OCH3 ग्रुप। ये बढ़ाने वाले ग्रुप प्लस आर से है, ये घटाने वाला, ये घटा रहा है एसिडिटी को, ये भी घटा रहा है, बट ये रिजोनेंस से घटा रहा है, ये इंडक्टिव से, तो रिजोनेंस वाला डोमिनेंट होता है किस पर, इंडक्टिव से। केवल हैलाइड के केस में इंडक्टिव इज डोमिनेंट ओवर रिजोनेंस। तो इस तरह से तुम एसिडिटी को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है ना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये है, अगर मान लो ये बेंजीन है, यहां पे जुड़ा है Br, एक यहां पे Br और एक यहां पे Br, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो देखो यहां पे चेक करोगे, ये देखो क्या कर रहा है बेटा, माइनस आई से खींचेगा और प्लस आर से देगा। यहां पे देखो केवल क्या है, माइनस आई है, आर नहीं होता है मेटा पोजीशन पे, ठीक है। यहां पे देखोगे माइनस आई है और प्लस आर है, तो प्लस आर से और माइनस आई से, यानी प्लस आर वाला यहां भी है और प्लस आर वाला यहां भी है, यानी क्या कर रहा है, रिजोनेंस से घटा रहा है प्लस माइनस आई इफेक्ट से बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो देखो बेटा यहां पे माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो यहां पे क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, मोर होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। यहां पे माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा, और यहां पे देखोगे माइनस आई इफेक्ट सबसे कम लिस्ट होगा, सबसे कम होगा। तो माइनस आई इफेक्ट क्या है, यहां पे ज्यादा है, यहां पे उससे कम और यहां पे सबसे कम। अब प्लस आर इफेक्ट की बात करोगे तो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, प्लस आई इफेक्ट हर जगह मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो देखोगे कि माइनस आई इफेक्ट क्या है, यहां ज्यादा है, यानी सेकंड वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर उसके बाद माइनस आई इफेक्ट क्या यहां है, यानी थर्ड वाला होगा। फिर माइनस आई इफेक्ट देखोगे यहां पे है, फिर क्या होगा, फोर्थ वाला होगा, और सबसे कम क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, एसिडिटी को निकाल सकते हो। उसी तरह अगर यहां पे देखो, और वैसे भी तुमको पता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, COOH ग्रुप, Me ग्रुप, ये ऑलरेडी कराया हूं तो इसको छोड़ता हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, COOH ग्रुप, यहां पे देखो OME ग्रुप, यहां पे देखोगे OME ग्रुप, और यहां पे देखोगे OME ग्रुप, ठीक है बेटा, ये ग्रुप अटैच है। तो सीधे से दिख रहा है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, यानी ये
सेकेंड वाला इससे ज्यादा एसिडिक होगा। अब इनमें कंपेयर करना है तो यहाँ पे देखो क्या है बेटा, माइनस आई से तो खींचेगा लेकिन प्लस आर से क्या करेगा, डोनेट करेगा। माइनस आई से बढ़ा रहा है लेकिन प्लस आर से घटा रहा है। यहां पर भी देखोगे तो ये लोन पेयर क्या है, माइनस आई से बढ़ाएगा और प्लस आर से घटाएगा। तो घटाने वाला क्या है, ज्यादा डोमिनेंट है। और यहाँ माइनस आई इफेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट देखो, यहाँ पे आर तो लगेगा ही नहीं क्योंकि मेटा पोजिशन पे है, तो माइनस आई इफेक्ट से घटा रहा बढ़ा रहा है। यहाँ पे माइनस आई से क्या कर रहा है, घट बढ़ा रहा है, बट प्लस आर से बढ़ा रहा है। यानी देखो यहाँ पे प्लस आर घटाएगा, माइनस आई बढ़ाएगा, लेकिन प्लस आर का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है माइनस आई से। तो ओवरऑल अगर बात करोगे तो सबसे ज्यादा ये है ऑर्थोबेंजोइक एसिड, यानी कि ऑर्थो पोजिशन वाला, ठीक है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे तो सबसे ज्यादा 2 हो गया, फिर यहां पे भी बढ़ाने वाला है, फिर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा और सबसे कम फोर्थ हो जाएगा। तो ये ऑर्डर होगा किसका, एसिडिटी का, किसमें, इस कंडीशन में, ठीक है। और देखो यहां पे अगर ये ग्रुप है, ये हुआ सेकंड की अगर बात करो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अब इसमें एसिडिटी का ऑर्डर देखो बेटा, तो ये क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, ऑर्थो इफेक्ट। अब इनमें कंपेयर करेंगे तो देखो यहां पे क्या है बेटा, माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आर इफेक्ट है। यहां पे देखोगे माइनस आई इफेक्ट, यहां पे देखोगे माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला मोर एसिडिक होता है किससे, अब देखो माइनस आई माइनस आर, लेकिन आई का क्या है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है। माइनस आर तो सब जगह सेम है, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। इसमें केवल माइनस आई है, बस इन दोनों में क्या माइनस आर है, यानी ऑब्वियस सी बात है ये क्या होंगे, सबसे कम एसिडिक होगा। किसके रिस्पेक्ट में, इससे, इसके रिस्पेक्ट में। अगर इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखोगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा दूसरा, फिर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ, फिर क्या हो जाएगा, थर्ड, एंड सबसे कम क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो ये क्या है, एसिडिटी का ऑर्डर हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड रख रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट वैरी कर रहे हैं, यहां पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है पहला, दूसरा अगर क्वेश्चन को देखोगे OH, ठीक है, तीसरा जो देखोगे ये OH,
चौथा देखो, ये OH, पांचवा देखो, ये है। अब इसमें देखना है कि एसिडिटी का ऑर्डर देखो, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड की अगर बात करोगे तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड क्या होते हैं, मोस्ट एसिडिक होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला ऑर्थो है और यहाँ पे दो ऑर्थो ग्रुप है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस पर ज्यादा ऑर्थो ग्रुप है यानी वहां पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यानी सबसे ज्यादा फिफ्थ वाला होगा और देन सेकेंड वाला होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे देखोगे तो ये देखो यहां पे, तो यहां पे क्या है, दो स्टेरिक हिंड्रेंस है, SIR इफेक्ट, और यहाँ पे देखोगे एक है, यानी इन दोनों के ऑर्थो सब्स्टिट्यूट तो दोनों है बट यहाँ पे दो OH ग्रुप है, यानी ओवरऑल देखोगे तो फिफ्थ वाला मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू किससे, सेकंड से, फिफ्थ और सेकंड में तो फिफ्थ हो गया, फिर क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक। अब इनमें कंपेयर करना है तो देखो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, और यहां पे कुछ भी नहीं है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा बेटा, एसिडिटी को बढ़ाएगा, और ये प्लस आर इफेक्ट वाला घटाएगा, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट जो होता है यहां डोमिनेंट फैक्टर है, माइनस आई यहां कम है, माइनस आई यहां पे ज्यादा है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा, और सबसे कम क्या हो जाएगा, ये थर्ड, सॉरी यहां पे थर्ड, और यहां पे सबसे कम फोर्थ। तो ये ऑर्डर हो जाएगा एसिडिटी का, ठीक है ना। तो उसी तरह अगर बात करो यहां पे और भी देखो ग्रुप, अगर मान लो ये ग्रुप है, पहला, ठीक है, एमए ग्रुप, सेकंड की अगर बात करो ये है, दूसरा ये ग्रुप, और तीसरा के देखोगे एमी एमी ये ग्रुप है। अब देखो यहां पे भी क्या है बेटा, SIR इफेक्ट क्या है, SIR इफेक्ट यहां पर भी क्या है, बल्कि ग्रुप होने के कारण SIR इफेक्ट। यहां पर देखोगे तो यहां पे भी टू SIR इफेक्ट है, दो SIR इफेक्ट है, ठीक है। तो दो SIR इफेक्ट से ज्यादा आउट ऑफ प्लेन जाएगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट ज्यादा हुआ, यानी अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा थर्ड का, फिर किसका हो जाएगा, सेकंड का, और सबसे कम फर्स्ट का। इस तरह से हम एसिडिटी ऑर्डर को डिफाइन करेंगे, किसमें, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, ठीक है। ये था क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का केस। अगर मान लो फिनॉल है, फिनॉल भी एसिडिक नेचर शो करता है, तो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। अगर मान लो यहां पे हम फिनॉल लेते हैं पहला, दूसरा अगर हम लेते हैं क्या,
OH, NO2 ग्रुप, ये हो गया। तीसरा मान लो यहां पे क्लोरीन ग्रुप है, और चौथा मान लो यहां पे एम ई ग्रुप है। ठीक है, अगर देखोगे तो NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, यहां पे देखोगे माइनस आई प्लस आर, यहां पे प्लस आई प्लस एच, ये सब बढ़ाने वाला, ये क्या है माइनस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता है किससे, इंडक्टिव इज डोमिनेंट ओवर रेजोनेंस। ठीक, इस केस में देखो दोनों बढ़ाने वाले ग्रुप हैं, यानी ओवरऑल देखोगे टू का हो जाएगा सबसे ज्यादा, फिर क्या हो जाएगा टू के बाद इस थर्ड का हो जाएगा, फिर फर्स्ट का हो जाएगा, और सबसे लिस्ट किसका हो जाएगा फोर्थ का हो जाएगा। तो इस तरह से तुम एसिडिटी को निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे और इस पर डिस्कस करेंगे बेसिसिटी के बारे में, और दो चार क्वेश्चन कराएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे। ओके, बाय बाय बेटा।